फैमिली डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मेरा फास्ट मेटाबॉलिज्म है जिसकी वजह से मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, क्या ये पॉसिबल है एंड फास्ट मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल कैसे कर सकते हैं? धवल पाटिल जी, अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपका फास्ट मेटाबॉलिज्म है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। नंबर वन रीजन है वो है थायराइड। अगर थायरोटॉक्सिकोसिस यानी कि ओवर वर्किंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड होता है तो उसकी वजह से बॉडी में फास्ट मेटाबॉलिज्म हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसकी वजह से भी फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये इन्वेस्टिगेशंस आप कर लीजिए। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, सबसे पहले तो आप एक CBC कर लीजिए। उसमें कभी कभी कुछ केसेस में, रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि जिनका हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, जिसको हम लोग पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है या फिर RBCs में RBC काउंट ज़्यादा होता है, उनमें भी कभी कभी फास्ट मेटाबॉलिज्म देखा जाता है। इसके साथ साथ आपको एक थायराइड प्रोफाइल करना है, उसमें आपको फ्री हार्मोन्स T3 T4 TSH का ब्लड टेस्ट करना है। इसके साथ साथ एक आपका आपके एक सेरम इलेक्ट्रोलाइट्स करके एक टेस्ट आता है, जिसके अंदर आपके बॉडी में सेरम पोटेशियम सोडियम और सेरम कैल्शियम यानी कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है आपकी बॉडी में, उसका भी एक टेस्ट होता है। तो उसमें भी कभी कभी अगर गड़बड़ी होती है तो उसकी वजह से फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है। अगर आपके सभी रिपोर्ट्स सही है और आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है तो आप आपके फास्ट मेटाबॉलिज्म को स्लो करने के लिए आप दो तीन चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहली बात तो आपको नींद कंप्लीट करनी है, मिनिमम 7 to 8 hours ऑफ स्लीप आपको कंप्लीट करनी है। स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से फास्ट मेटाबॉलिज्म भी होता है, स्लो मेटाबॉलिज्म भी होता है। तो मेटाबॉलिज्म को सही करने के लिए आपको स्लीप डिप्राइवेशन नहीं करना है, यानी कि नींद पूरी करनी है। इसके साथ साथ जो मेटाबॉलिज्म को स्लो करने के लिए हेल्प करता है वो है कार्ब्स। आपको कार्ब्स आपकी डाइट में ज़्यादा समावेश करने हैं। कार्ब्स के बारे में मैं जानकारी दूंगी, तो हेल्दी कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, यानी कि कार्ब्स का मतलब अक्सर मैं जब पेशेंट्स को कहती हूँ कार्ब्स तो उनको यही मतलब समझ में आता है, कार्ब्स का मतलब शक्कर। जी नहीं, कार्ब्स का मतलब शक्कर नहीं, प्लेन शुगर आपको नहीं लेना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं। जैसे कि आप राइस ले सकते हो, राइस वैसे थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है लेकिन राइस आप ले सकते हो। इसके साथ साथ आप ओट्स ले सकते हो, ओट्स एक बहुत ही फैंटास्टिक सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। दूसरा, आप मिल्क ले सकते हो। फ्रेंड्स, मिल्क एक बहुत 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 ही बेस्ट चीज़ है अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है और अगर आपको नींद नहीं आती और नींद सही नहीं हो रही है, तो आप मिल्क डेफिनेटली ले सकते हो। मिल्क में शक्कर मत डालिए, आप मिल्क ले लीजिए। मिल्क दिन में आप 2 या 3 बार भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली रात को सोने से पहले अगर नींद भी नहीं आ रही हो लेकिन सोने से एक आधा घंटा पहले आप ल्यूक वार्म मिल्क अगर आप लेते हो तो मिल्क के अंदर भरपूर मात्रा में मेलाटोनिन होता है। मेलाटोनिन एक ऐसा नेचुरली ऑकरिंग हार्मोन है जो आपको स्लीप इंड्यूस करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है। तो नॉर्मल जैसे कह सकते हैं कि स्लीपिंग पिल जैसे बोल सकते हैं, नेचुरल स्लीपिंग पिल, वो है मिल्क। तो मिल्क का सेवन आपको ज़रूर करना है। इसके साथ साथ आपको हेल्दी ऑयल्स लेने हैं, हेल्दी फैट्स लेने हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स। ये सभी चीज़ें आप डाइट में लोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल हो जाएगा, स्लो तो नहीं होगा लेकिन नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको डाइट में से क्या एक्सक्लूड करना है, डाइट में से क्या निकालना है, तो डाइट में से आपको ज्यादा सॉल्टी चीजें, जिसमें ज्यादा सोडियम है, ज्यादा सॉल्ट की मात्रा है, ज्यादा प्रोटीन, स्पेशली रेड मीट या नॉन वेजिटेरियन फूड आपको डाइट में से थोड़े समय के लिए कंप्लीटली निकालना चाहिए। आपको एग्स भी आप अगर ना खाए तो ज्यादा बेटर है, इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो नॉर्मल लेवल का डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, तो ये सब चीजें आप कर सकते हो।